प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम अध्याय 14 में व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवसाय जो कि तो किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हम देखते हैं कि लाभ कमाने के लिए जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वो व्यवसाय कहलाता है। अब दूसरी बात जो है पर्यावरण संरक्षण, तो इस अध्याय के अंतर्गत व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों का आपस में यहां पर क्या संबंध। यहां पर हम देखते हैं अक्सर कि व्यवसाय के माध्यम से जो है पर्यावरण कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रदूषित होता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ऐसे कौन से कार्य करने हैं, व्यवसाय की तरफ से ऐसे कौन से कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो सुरक्षित रहे। तो किसी भी जीव या उसके समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाला वह सब कुछ जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण है जिस पर हम अपना जीवन जीते हैं वो आवरण जो है वो पर्यावरण कहलाता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को प्रभावित करता है, वो कहलाता है पर्यावरण। अब पर्यावरण के अंतर्गत जो है जल, वायु, भूमि तथा मनुष्य व जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि और मनुष्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव ये सभी सम्मिलित हैं। अर्थात ये सभी परिस्थितियाँ और उसके प्रभाव से हैं जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण के जो घटक हैं, नंबर एक मृदी घटक अर्थात मिट्टी, मृदा, मिट्टी, जल, वायु, विभिन्न खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ, ये मृदी घटक अर्थात जो जमीन के अंदर हैं, ये मृदा, जल, वायु, विभिन्न खनिज व कार्बनिक पदार्थ। दूसरा जो है जलवायु मंडली घटक, जलवायु के अंतर्गत जो आते हैं वो है प्रकाश, ताप, वायु, वायुमंडलीय गैस और वर्षा जल आदि। फिर स्थली स्थानों की बात करें हम कि जो स्थान पर जो ऊपर हमें सामने दिखते हैं वो है स्थान की ऊंचाई, पहाड़, पर्वत, मैदान आदि। और वहीं जैविक घटक जो हैं, ये जैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटक के अंतर्गत हम बात करते हैं विभिन्न जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, पादप और विभिन्न जंतु आदि, ये कहलाते हैं पर्यावरणीय घटक। तो यहाँ हमने परिभाषा देखी कि वो परिधन आवरण अर्थात जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंतर्गत जो है जल, वायु, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, पौधे और विभिन्न जीव जंतु, विभिन्न सूक्ष्म जीव जंतु, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जो उसके प्रभाव से हैं और किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। एक व्यवसाय जो है पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकता है, यह हम देखते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में व्यवसाय की भूमिका क्या होगी। तो जैसे कच्चा माल एवं तकनीक, यदि व्यवसाय अच्छी किस्म के कच्चे माल को उपयुक्त प्रयोग करता है और साथ ही उच्च तकनीक को अपनाता है, वह कचरे के निपटान हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाता है तो पर्यावरण हानि नहीं होगी। अर्थात उद्योग से, व्यापार से, व्यवसाय से, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि गंदा पानी वगैरह निकलता है, मल वगैरह निकलता है, उसको हम जो है वैज्ञानिक तकनीक से उसको पानी को शुद्ध करें तो वो जाकर जो है नदियों में, तालाबों में जो मिलके वहाँ के जल को अशुद्ध करता है वो उससे नहीं होगा। तो अच्छे किस्म का माल उपयोग करें और वैज्ञानिक तकनीक को वो अपनाए तो पर्यावरण हानि नहीं होगी। दूसरा जो है नियमों का पालन, प्रदूषण से संबंधित जो शासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करना चाहिए। तीसरा है प्रबंधन, उद्योग द्वारा ऐसे उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंधन का कार्य संपादित कराना जो पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध होकर कार्य
करें, अर्थात प्रबंधकों के द्वारा उद्योग से, व्यापार से, व्यवसाय से जुड़े हुए ऐसे कार्य कराए, उनके द्वारा किए जाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण प्रॉपरली होता रहे। फिर चौथा है सहयोग। हानिकारक द्रव्य पदार्थों की उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में, जिनमें नदियों की सफाई, वृक्षारोपण, वन कटाई को रोकने में सहायता आदि प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान किया जाए। शासन के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण या नदियों की सफाई में, वनों की कटाई को रोकने में जो उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें व्यवसाय को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर है मूल्यांकन। विकास योजनाओं पर प्रदूषण नियंत्रण की लागत एवं उनके प्रतिफल का मूल्यांकन करना, ताकि पर्यावरण संरक्षण हेतु सतत कार्रवाई की जा सके। फिर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को, जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए जो विक्रेताओं, क्रेताओं आदि को पर्यावरण के प्रति जागरूक करे, उन्हें शिक्षित करे, और सूचना कार्यक्रम आदि उनके द्वारा, व्यवसाय के द्वारा चलाए जाने चाहिए। तो एक व्यवसाय को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो उसकी भूमिका है वो है, उसको कच्चे माल और तकनीक ऐसी अपनाना चाहिए जिससे व्यवसाय को नुकसान ना हो, सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हों नियमों का पालन करें, प्रबंधन व्यवस्था जो है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। फिर वहीं सहयोग की बात करें, शासन के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन पर सहयोग प्रदान करें, सफाई, वृक्षारोपण, नदियों की सफाई, वन कटाई से संबंधित और विभिन्न जो भी कार्यक्रम शासन के द्वारा वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संचालित हैं, उनमें व्यवसाय को सहयोग प्रदान करना चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं कौन कौन से प्रकार हैं प्रदूषण के। तो जैसा कि हम जानते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो सबसे पहला जो है वायु प्रदूषण, अर्थात वायु प्रदूषण वह है जो कि वायुमंडल में दूषित पदार्थों की अधिकता हो जाती है, ऐसा कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकले विभिन्न दूषित गैस वायु प्रदूषण फैलाती है। तो वायु प्रदूषण हो गया, कारखानों से निकला हुआ दूषित गैस वगैरह और भी विभिन्न विषैले गैस। दूसरा जो है जल प्रदूषण, ये जो है विभिन्न उद्योग व बस्तियों से निकले हुए कार्बनिक रेडियो सक्रिय पदार्थ हो सकते हैं। जल प्रदूषण जो है दो प्रकार से फैलता है, जैसे नंबर एक भूक्षरण के रूप में खनिज पदार्थ, प्राणियों के मलमूत्र व जल प्रदूषण का प्रकार। तीसरा जो है भू प्रदूषण, भूमि से जुड़ा हुआ प्रदूषण। तो खेती योग्य भूमि है जैसे, तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो रही है, गुणवत्ता उसकी नष्ट हो रही है, अर्थात भूमि के भौतिक और रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन यहाँ पर होता है जिससे मनुष्य व अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो एक प्रकार से जो है भूमि जिस प्रकार से प्रदूषित हो रही है वो भू प्रदूषण के अंतर्गत, और अंतिम जो है वो शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो शोर प्रदूषण जो है ध्वनि प्रदूषण, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, बढ़ता हुआ शहरीकरण, मोटर वाहन, सामाजिक क्रियाकलाप आदि की ध्वनि से जो है मानसिक क्रियाएं जो है हमारी प्रभावित होती हैं वो है ध्वनि प्रदूषण। सामान्य तौर पर 3000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो है वो शोर प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तो ये जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के चार प्रकार हमने देखे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण और शोर प्रदूषण। अब कारण हम देखते हैं कि किन कारणों से प्रदूषण होता है। तो जैसे कि नंबर एक तो हो गया प्राकृतिक कारणों में आंधी का आना, तूफान आना, वन की में आग लग जाना, ज्वालामुखी की राख और बिजली के कड़कने से, रेगिस्तान की आंधी से प्रदूषण का होना। तो ये प्राकृतिक कारण है, आंधी आ जाने से जो है, तूफान आ जाने से जो है पूरा जनजीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तो इससे भी प्रदूषण फैलता है। वहीं ज्वालामुखी की राख से, इसकी राख के भवंडर से जो है शहर ढक जाती, बिजली के कड़कने से और रेगिस्तान के आंधी से प्रदूषण का होना। फिर दूसरा पॉइंट जो है प्रदूषण के कारण में जनसंख्या का कारण, तो
बढ़ती हुई जनसंख्या के घनत्व के कारण जो है बढ़ता हुआ शहरीकरण से वायु जल भूमि एवं शोर का प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। तीसरा बिंदु जो है जीवन स्तर, वर्तमान में हम उच्चतर जीवन शैली भी जो है हमारी प्रदूषण के बढ़ने का कारण है। बहुत सारे भौतिक संसाधनों को हम जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं उस तरह से उसके कारण जो है जैसे एसी के कारण भी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो उच्चतर जीवन शैली अपनाने के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। फिर वहीं वनोन्मूलन की बात करें हम तो बढ़ती जनसंख्या निर्धनता औद्योगिकी के कारण वनों के काटे जाने से बाढ़ सूखा कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृक्ष जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो एक तरफ जब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई शहरीकरण के कारण औद्योगिकीकरण के कारण जो है वनों को तेजी से काटा जा रहा है जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। फिर बात करें हम परिवहन की तो परिवहन के साधनों की बढ़ती मात्रा के कारण जो है विषैला धुएं जो है वायु के साथ मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। फिर कृषि क्षेत्र में खेती योग्य भूमि में प्रदूषण की हम बात करें तो यहाँ पर दोषपूर्ण कृषि, बहुत ज़्यादा कृषि भूमि से उत्पादन को करना, उर्वरक का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, विभिन्न कीटनाशक दवाओं से जो है मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी की क्षति होती, क्षरण है जो भू प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। फिर अंतिम बात करें हम उद्योग की तो उद्योगों में वस्तु निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो है विभिन्न विषैली गैस, विभिन्न पदार्थ, विभिन्न धुआं और विभिन्न गंदा पानी, विषैला पानी निकलने से जो है वो नदियां, तालाब ये कहीं ना कहीं दूषित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रदूषण के कारण हैं मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण तो हैं ही, साथ में मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न कारण हमारे सामने आते हैं जैसे जनसंख्या विस्फोट, जीवन स्तर, वनों की कटाई, परिवहन, कृषि भूमि का दोषपूर्ण होना और उद्योग इत्यादि, ये जो है प्रदूषण के प्रमुख कारण। सुरक्षा, पर्यावरण जो है हमें चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं तो पर्यावरण जो है वो जिस प्रकार से यदि शुद्ध होगा, साफ होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, यदि प्रदूषित रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य पर जो है इसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। वायु में सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के कारण जो है कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह व जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया आदि से सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता हमें बहुत अधिक है। तो यहाँ पर जो है मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। फिर वायुमंडल की सुरक्षा, वायु में जो प्रदूषक पदार्थ के कण हैं वो प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं जिससे कि दिखाई देना कम हो जाता है। वह बढ़ते प्रदूषण से ओजोन की परत जो है पतली हो रही है जिससे पृथ्वी का तापमान जो है क्या हो रहा है वो निरंतर बढ़ रहा है, इससे हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है वायुमंडल की सुरक्षा करना आवश्यक है। फिर बात करते हैं हम जलीय जीवन की रक्षा। जैसा कि हम जानते हैं उद्योगों का विषैला पानी जो है वो ऑक्सीजन कम होने से जलीय जीवों के मरने से नदियों का पानी विषैला होता है। कभी कभी समुद्र में हम देखते हैं कि जो है पानी उसका बहुत अधिक विषैला, बहुत ज़्यादा दूषित पदार्थों के डाले जाने से पानी जो है वो विषैला होता जा रहा है। इससे जो है समुद्र की नदियों की, तालाबों की जो विभिन्न जलीय जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उससे उसका पानी पीकर जो है अनेक पालतू जानवर, गाय, बैल, बकरी, भैंस आदि मरते हैं। तो जलीय जीवन की रक्षा के लिए भी यहाँ पर जो है हमें प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है। तो मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, वायुमंडल की सुरक्षा के लिए और जलीय जीवन की सुरक्षा के लिए। अब चौथा बिंदु जो आता है व्यवसाय की लागत में कमी। अब यदि हम एक उद्योग में यहाँ पर जो है हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उस उद्योग में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो एक सुरक्षित और साफ सुथरे वातावरण में कार्य कर रहे हैं। यदि वह उस कार्यरत क्षेत्र का वातावरण दूषित होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उद्योग में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारी अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति, उनका जो नुकसान है वो प्रबंधक को करनी पड़ती है।
पड़ती है। तो यहाँ पर यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, कारखाने का वातावरण साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, तो इस स्थिति में कर्मचारी कम बीमार होंगे और उन पर जो क्षति पर होने वाला व्यय जो है वो कम होगा, और जिससे व्यवसाय की लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। पांचवा बिंदु जो है उत्पादन में वृद्धि। जब एक श्रमिक जो है साफ सुथरे माहौल में काम करता है, एक अच्छे वातावरण में काम करता है, तो वहां पर जो है उसका जो है बुरा प्रभाव कम पड़ता है। तो प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि श्रम की उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे कि यदि कोई ऐसे बहुत क्षेत्र में यदि कोई श्रमिक काम करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में काम करने से उन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर, शरीर पर बुरा असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उत्पादन क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि वो साफ सुथरे स्थान पर कार्य करते हैं तो उससे उनका जो श्रम उत्पादक क्या होगी, बढ़ जाएगी। अतः प्रदूषण नियंत्रण से उद्यम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। फिर बात करें हम आर्थिक नुकसानों में कमी। प्रदूषण नियंत्रण से कर्मचारियों के कपड़ों के धोने व साफ करने के ऊपर आने वाले खर्चों में कमी आती है। फिर जनता में अच्छी धारणा, समाज में पर्यावरण संतुलन के प्रति जागृति हो रही है। यदि उद्यम प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों को उपयुक्त प्रकार से अपनाता है तो समाज में उसके प्रति अच्छी धारणा यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे व्यवसाय की लागत में कमी आती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, आर्थिक नुकसानों में कमी होती है, वहीं जनता में अच्छी उद्योग के प्रति एक धारणा बनती है। अब यहाँ बात करते हैं हम विभिन्न सरकारी उपायों की। शासन के द्वारा जो सबसे पहला जो है राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति एवं पर्यावरण विकास के लिए जो है प्रदूषण को कम करने के लिए नीति विवरण 1992 तथा राष्ट्रीय नीति 1998 लागू की गई है। तो पहला जो सरकारी प्रयास किया गया पर्यावरण विकास के लिए राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति जो है विवरण 1992 और राष्ट्रीय नीति जो है 1998 लागू की। दूसरा जो है उद्योग आदि से निकलने वाले विषैली गैस व हानिकारक पदार्थों के मानकों का निर्धारण किया गया और उपचार संयंत्रों की स्थापना की गई। यहाँ पर जो है शासन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि ऐसे उद्योग जिनसे बहुत ज़्यादा विषैली गैस या बहुत से हानिकारक पदार्थ जो निकलते हैं उनका मापदंड निर्धारित किया गया कि कितनी मात्रा में गैसें और कितनी मात्रा में हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, और उनके शोधन के लिए जो है विभिन्न प्रकार के उपचार संयंत्रों की स्थापना यहाँ पर की गई। तीसरा जो है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन या उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक परिस्थिति मार्क इको या मार्क स्कीम जो है वो लागू की गई। अर्थात उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल है, उस उत्पादन से किसी भी प्रकार की कोई मनुष्य को या उस वातावरण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, इसके लिए इको मार्क स्कीम जो है वो लागू की गई। फिर वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सीसा रहे पेट्रोल, कम सल्फर का डीजल और सीएनजी गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों को प्रारंभ किया गया। अर्थात परिष्कृत पेट्रोल को बहुत पेट्रोल को जो है बहुत साफ करके जो है और कम सल्फर का डीजल, साथ ही सीएनजी गैस, जिससे कि वातावरण में जो है धुआं बहुत कम मात्रा में निकले, तो ऐसे वाहनों को साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी जो है शासन के द्वारा यहां पर प्रोत्साहित किया गया। फिर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है। अर्थात ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जो कि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैल रहा, ऐसे उपकरणों ऐसे यंत्रों को लगाने के लिए शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर प्रदूषण कारक औद्योगिक इकाइयों को शहर से बाहर किया जाना, ऐसी इकाइयां जो कि उस शहर को, उस क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, उन इकाइयों को शहर से बाहर ले जाना। फिर अंतिम जो है लघु उद्योग की बस्तियों में अपशिष्ट सर्कलों की स्थापना की गई। अर्थात ऐसी सघन बस्तियां जहां पर कि बहुत कम आय वाले लोग रहते हैं,
उन क्षेत्रों में जो वहां का निकला हुआ मलमूत्र है, जो गंदा पानी है, पदार्थ है, उनके लिए जो है अपशिष्ट सर्कलों की जो है स्थापना की गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि शासन के द्वारा जो है प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए गए। अभ्यास प्रश्न है कुछ, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय संरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में व्यवसाय की भूमिका एवं दायित्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकारों को समझाना है आपको। चौथा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणों की विवेचना कीजिए। और पांचवा जो है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है, सरकार ने इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं समझाइए।